अब माननीय उच्च न्यायालय एक और टिप्पणी आई, वो टिप्पणी आई मेरे ख्याल से देश में ऐसी टिप्पणियां बहुत कम होती हैं कि मंत्री और कुछ लोग टेंडर मैनेज कर रहे हैं। अरे कुछ कॉल भी चल रहा है, हम उसकी सत्यता उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये टिप्पणी कि भाई मंत्री टेंडर मैनेज कर रहे हैं, ये गंभीर घटना है, ये लोकतंत्र खतरे में है, मंत्री टेंडर मैनेज करें, और माननीय उच्च न्यायालय टिप्पणी करें, उसके बाद भी आप कहो कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, कौन सी जनहित यात्रा भाई? आम जनता त्राहिमाम कर रही है, कौन टेंडर मैनेज करता है? क्या इतना लोकतंत्र, लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है? अगर लोकतंत्र में लोकलाज को धत्ता बता दो तो लोकतंत्र का क्या महत्व भाई? और माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, क्या है? और एक और गंभीर घटना, मेरे ख्याल से देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गाय और जानवर की तस्करी होती है उसको तुष्टीकरण नीति के तहत रोक दिया गया। नहीं साहब, वो नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तस्करी कर गौ को बांग्लादेश भेज रहे, गौ हमारी माता है, और उनका यह बयान कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन कार्रवाई करेगा? ऐसे हम खुला छोड़ दें कि हमारी मां को आप ले जाके बेच दो, हमारी मां को जाके काट दो, ये क्या है भाई? गाय हमारी मां है, भारत माता हमारी मां है, यह धरती मां है। यह टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आई कि पुलिस नहीं करवाई हो तो मनोबल बढ़ाना ऐसे तत्वों को, खलो हमारे यहां पूरी छूट है, तस्करी करो, झारखंड की सीमा से पार हो, कोई रोकने वाला नहीं है, हम चुप बैठने वाले नहीं है। और इस पे हम लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोकसभा में हम इसकी बात रखेंगे। क्या तमाशा भाई? क्या आप पशु तस्करों को बढ़ावा देना चाहते हो? पशु तस्करों ने हमारी एक बेटी का टुपुदाना के आगे वहां जान ले लिया, न्याय नहीं मिल पाया, ऐसे कितने हत्याएं होती हैं। तो ऐसे तत्वों को माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ावा नहीं दें, मेरा ये नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक और घटना, हमने इस पर भी टिप्पणी की थी, हमने फोन करके प्रभारी ट्रैफिक एसपी को हमने कहा, आलम जी को, कि भाई क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा कि बस आप कचहरी चौक से लेकर सर्जना चौक तक ठेले नहीं लगेंगे। सर्जना चौक से रतन टाकी और रतन सुजाता तक क्यों नहीं? सबसे नैरो सड़क हनुमान मंदिर के बाद होती है, वहां क्यों नहीं? क्या तुष्टिकरण नीति है? कौन बन आप? हम किस माने किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि भाई कमिश्नर चौक से सर्जना चौक तक कोई ठेला नहीं लगेगा, हम उसकी अलग व्यवस्था कर रहे हैं, हम अटल मार्केट दे रहे हैं, अटल मार्केट बनाएंगे, लेकिन एक सिर्फ हम सर्जना चौक से लेकर यहां तक करें, नहीं पूरा करो। डेली मार्केट के सामने एक बहुत चौड़ी सड़क है जो चर्च रोड को जोड़ती है, वो 13-14 किलोमीटर मीटर की है, पूरी तरह कब्जा है, खाली करो। हम उनके रोजगार पे हम नहीं अटैक करें, उन्हें जगह दो, उनको बसाओ, सड़क खुले, उनका रोजगार नहीं मरे, उसका भी मैं समर्थन करूंगा। रोजगार है, दुकानदार है, बेच रहे, उनको उनके भी बच्चे, उनका परिवार है, उनको भी कहीं बना के दे दो, सड़क खाली हो जाएगी, जाम से मुक्ति मिलेगी। तुरंत ही डेली मार्केट में बड़ा सा मार्केट बनाओ, डेली मार्केट में जो सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, जो सामने है उनको जगह दो,
मास्टर प्लान इस ओर होना चाहिए और तुरंत उसको जाम से मुक्ति मिले। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।